वेलकम टू माई चैनल मैजिक वीडियो बनाना, जिसमें आपको सिखाऊंगा एक क्वेश्चन को बनाना। तो हमारा क्वेश्चन है, ऑन अ रेनी डे ओनली 36 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 कम टू अ क्लास, व्हाट परसेंट वेर एबसेंट एंड प्रेजेंट एंड एबसेंट। तो हम देख सकते हैं कि टोटल 45 स्टूडेंट्स में से एक क्लास में 36 स्टूडेंट्स आए रेनी डे के दिन। तो हमें क्या करना है, परसेंट फाइंड करना है प्रेजेंट और एबसेंट का। तो हम देख लेते हैं कि हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं। हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स 36 है 45 में से, ठीक है। और एबसेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, एबसेंट स्टूडेंट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 45 में से 36 माइनस कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे प्रेजेंट को, तो हमारा क्या हो जाएगा, एबसेंट आ जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा 499 आ जाएगा, ओके 9 स्टूडेंट्स एबसेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंट फाइंड करेंगे एबसेंट और प्रेजेंट पर, ठीक है। तो हमारा पहले प्रेजेंट का है, तो हम लोग प्रेजेंट का फाइंड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं किसी एक वैल्यू जो है, जैसे कि 9 है, 9 जैसे एबसेंट मतलब प्रेजेंट है 36 है, ठीक है। तो टोटल है जो हमारा है, टोटल हम लोग लिख लेते हैं नीचे, तो 45 है हमारा टोटल। और उसमें से टोटल में से जितना का हमें परसेंट जानना है, जैसे 36 का परसेंट जानना है, मतलब कि हमें 36 प्रेजेंट है उसका परसेंट जानना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग टोटल लिख देंगे नीचे, और जितना का हमें जानना है परसेंट उसे ऊपर लिख लेंगे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। तो क्या हो गया, हमारा परसेंट आ जाएगा, ओके। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारा 5 से ये कटेगा, तो 9 टाइम्स कटेगा, 5 से 100 कटेगा तो 220 टाइम्स कटेगा। फिर हम लोग देखेंगे ये 9 से 4 टाइम्स कट जाएगा, और फिर 4 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 80 आएगा। मतलब कि हमारा 80% बच्चे हमारे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर देखेंगे एबसेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखेंगे कि हमारे टोटल स्टूडेंट्स क्या है, 45, ओके। और हमारे एबसेंट स्टूडेंट्स क्या है, 45 माइनस 36 9 स्टूडेंट्स, तो 9 स्टूडेंट्स को ऊपर लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, परसेंट आएगा। फिर वैसे ही जैसे हमने इसे सॉल्व किया, वैसे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हम 9 से इसको कट करें, मतलब सॉरी 5 से कट करेंगे तो हमारा 9 आएगा। फिर 5 से इसको भी कट करेंगे तो हमारा 20 आएगा, ओके। और 9 से देखेंगे, 9 है तो 9 से कट करेंगे इसे, तो 1/1 आ जाएगा, और 1/1 आ गया, मतलब 1 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे हम लोग 20% लिख देंगे। मतलब कि हमारे कितने बच्चे एबसेंट है, 20%। हम लोग कैसे इसे फाइंड एबसेंट कैसे और फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि टोटल बच्चे मतलब कि 100% हो गए, ओके। और उसमें से देखेंगे कि प्रेजेंट बच्चे कितने हैं, 80%, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, जैसे हमने इसे केयर किया था तो हमारा एबसेंट है, वैसे ही इसमें भी कर लेते तो हमारा 20% आता था, मतलब कि एबसेंट स्टूडेंट्स, ओके।